आपके नोट्स में एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि वो नेहरू और इंदिरा गांधी की समस्याओं से जुड़ा है। देखिए, नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी आजकल नरेंद्र मोदी की है। आजकल तो नहीं, आज से 3 महीने पहले जो नरेंद्र मोदी की स्थिति थी कुछ कुछ वैसी है। हमारा देश है पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला। पार्लियामेंट्री सिस्टम उन देशों के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है जहां वैविध्य ज्यादा हो, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन देशों के लिए अच्छा मानते हैं जहां वैविध्य कम हो। तो अमेरिका में वैविध्य एक जमाने में रहा होगा, किंतु मेल्टिंग पॉट कल्चर की वजह से अब मानते हैं कि वैविध्य का उतना महत्व वहां पर नहीं है। इसके पूरा देश मिलकर एक व्यक्ति को चुन ले, वो व्यक्ति अपने हिसाब से मंत्री चुन ले, देश चलाए, उनको ये समझ में आता है। इंग्लैंड में क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ऐतिहासिक मामला ज्यादा, वरना इंग्लैंड में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है कि वो काम ना चला सके, पर चलता है वहां, हमारे भी चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक पर्पज है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं आनी चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति हों जिनके बहुमत से सत्ता का फैसला होना चाहिए। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मूल आधार है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आनी चाहिए, हालांकि उनका मैकेनिज्म यह है कि एग्जीक्यूटिव के साथ जुडिशरी और लेजिस्लेचर का सेपरेशन ऑफ पावर्स और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इतनी हो कि कोई एक व्यक्ति तानाशाह न बन सके, वो उनका अमेरिकन मैकेनिज्म है। स्वाधीन भारत के इतिहास में 4 प्रधानमंत्रियों को यह मौका मिला कि संसदीय पद्धति में भी एक व्यक्ति पूरी सत्ता अपने हाथ में लाने में कामयाब हो गया। 3 एक ही परिवार के थे, जिनमें नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, और ऐसा पहला व्यक्ति जो गांधी परिवार का नहीं है वो है नरेंद्र मोदी। इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंग्लैंड में भी आजकल दिखती है, लंबे समय से दिख रही है। जब मार्गरेट थैचर थी इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी की समकक्ष थी, दोनों सहेलियां भी थी, तो उस समय भी लगता था कि पूरा इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन थैचर के हाथ पे। वहां तो दिक्कत ये भी ना, वहां राष्ट्रपति या जो राजा है उसे तो पावर है नहीं। 1688 से 2019 तक ये हो गए कितने, लगभग 331 साल हो गए। 331 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री ने कोई सिफारिश भेजी हो और राजा ने साइन ना किया हो। पुनर्विचार भी नहीं करवा सकता है, यहां तो पुनर्विचार का ऑप्शन है बहुत सारा, ना किसी बिल पे पुनर्विचार करवा सकता है, ना किसी सिफारिश पे कर सकता है, ना किसी ऑर्डर पे कर सकता है। जो मंत्री ने भेज दिया उसे चुपचाप साइन करना है, उसकी इतनी ही हैसियत है इंग्लैंड में इस समय। राष्ट्रपति है नहीं, सुप्रीम कोर्ट वहां था ही नहीं, अभी 9 साल पहले तक था ही नहीं, अब जाके बनाया है, किंतु उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, संसद के मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपनी हैसियत क्या है, विधान परिषद जैसी है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने बिल पास किया, उनको भेजा, वहां साइन नहीं हुआ, फिर से पास कर दिया, फाइनल हो गया। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स किसी बिल को 2 बार पास कर दे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बाईपास कर सकता है। सारी शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, और वहां स्पेशल मेजोरिटी है ही नहीं, क्योंकि लिखित संविधान है नहीं उनके पास, लिखित संविधान नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन नहीं होता है। वहां हर एक्ट संविधान संशोधन के कद का है, और एक ही मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी। वहां स्पेशल मेजोरिटी नाम की चीज नहीं है इंग्लैंड के संविधान में, केवल सिंपल मेजोरिटी। और इसका मतलब यह होगा कि जो व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री है, जिसके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजोरिटी है, वो किसी भी दिन वहां के संविधान को चेंज कर सकता है। इसलिए इंग्लैंड का हर प्रधानमंत्री वहां के संविधान का नियंता हो जाता है, ये इंग्लैंड के संविधान की समस्या है। भारत में इतनी ताकत अर्जित करना आसान नहीं है किसी के लिए, वो वही कर सकता है जिसके पास लोकसभा में कम से कम 2/3 बहुमत हो, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत हो, और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों में सामान्य बहुमत हो। जिसके पास इतना बहुमत है वो भारत के सिस्टम में राजा बन सकता है, और इतनी ताकत नेहरू के पास थी, फिर इंदिरा गांधी के पास हुई। इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन जिसमें आधे राज्यों की सहमति चाहिए थी 3 दिन में करवाया था, 3 दिन में लोकसभा भी, राज्यसभा भी, सारे राज्य भी, राष्ट्रपति भी, 3 दिन में सारे काम कर। ऐसी राजीव गांधी ताकतवर था। नरेंद्र मोदी उतने तो नहीं, लेकिन लगभग उतने ताकतवर इस समय हैं, क्योंकि लोकसभा उनकी मुट्ठी में है, राज्यसभा भी इतनी मुट्ठी में है कि जिस दिन जरूरत पड़ती है मुट्ठी में आ जाती है। सीबीआई भी तो है ही ना, तो मैनेज हो जाता है, कोई खास दिक्कत नहीं आती। आधे राज्यों के विधानमंडल मैनेज नहीं है, और तो उत्तर पूर्व के सारे राज्य मैनेज कर लिए। उत्तर पूर्व में कितने होते, 10 विधायक है, अमित शाह एक बार गए, 10 वहां गए।
अमित शाह ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की नई परंपरा शुरू की है कि हमारी पार्टी के लोग इलेक्शन लड़े जीते, इसके बदले जो इलेक्शन लड़े जीते वो पार्टी में आ जाएं। तो भाई कुल मिला के अंततः पार्टी के लोग सत्ता में होने चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इतनी मेहनत काहे करनी इसके लिए, आप जो जीत गए उन्हीं को ले पार्टी में, लंबी मेहनत क्यों करें। उत्तर पूर्व जहाँ के लोग ठीक से हिंदी नहीं जानते, यहाँ का मिजाज नहीं समझते हैं, उत्तर पूर्व के लगभग सब राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है इस समय, और उससे फायदा क्या होता है, संविधान संशोधन करने में 7 वहां से आ गए, कुल कितने सही है 28 में से 15 सही, कम से कम आते हैं ना 14 या 15 सही, 8 वहीं से आ गए, 6-7 महीने जो ही जाते हैं, अब हाथ से निकल रहे अलग बात है, लेकिन कुछ दिन पहले तो थे ही सारे के सारे, क्या दिक्कत थी उनको। नेहरू इतने ताकतवर थे, एकाध छोड़ के सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में, लोकसभा में पूरा बहुमत, राज्यसभा पूरा बहुमत, पार्टी के ऊपर नेहरू की पूरी पकड़, और 1960s की शुरुआत होते थे क्या हुआ, पार्टी की अध्यक्ष इंदिरा गांधी, देश का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अब कौन क्या बिगाड़ेगा उनका, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, ठीक ऐसे था।